नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुमार और आप देख रहे हैं बैक टू बैक जीएस। दोस्तों, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अगला लेक्चर जो लूंगा वो हमारा होगा पोषण। तो पोषण पढ़ाने से पहले मैंने जो वीडियो डाला उस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया मित्रों, इसलिए आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। इसके साथ साथ ही कुछ दोस्तों का कॉमेंट था कि आप वीडियो को एडिट नहीं करते हैं और कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सुलझाता जाऊँ, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं इन सब पर काम करूँगा, धीरे धीरे हम लोग सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं बिना किसी देरी के पोषण। पिछले क्लास तक हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में हमने देखा था कि फादर ऑफ बॉटनी कौन से होते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, इन सब चीज़ों को देख लिया था हमने। साइंस क्या है, सोशल साइंस क्या है, रियल साइंस क्या है, सब कुछ देख चुके हैं। तो आज डायरेक्ट हम फोकस करते हैं पोषण के ऊपर। तो हेडिंग बनाएंगे दोस्तों अच्छे से, न्यूट्रिशन। पोषण, तो पहला ही प्रश्न आता है मित्रों कि पोषण का मतलब क्या, पोषण से क्या समझते हैं। तो मित्रों, बिना किसी देरी के इस प्रश्न को जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए जो भी कुछ फूड देते हैं उससे पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। तो सिंपली इसका एक डिफिनेशन लिखेंगे, खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अब यहाँ पे मित्रों एक बहुत ही बढ़िया सवाल ये बनता है कि आखिर हमारे बॉडी को इस पोषण की क्यों आवश्यकता हुई, हमें पोषण क्यों चाहिए। तो इसका ये जवाब है मित्रों कि जिस तरीके से एक मशीन को काम करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से ठीक हमारे बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए हम पोषक तत्वों को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। अब कुछ मित्रों का प्रश्न ये भी हो सकता है कि हम जब खाद्य पदार्थ लेते ही हैं तो फिर इसमें से पोषक तत्व ग्रहण करने की मतलब क्या। तो मित्रों, इसका जवाब ये है कि आप जो पूरा का खाद्य पदार्थ लेते हैं वो पूरा का पूरा हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं करता है और उसके कुछ ही भाग को अपने पास रखता है, जबकि उसके कुछ पार्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये पोषण जो होता है मित्रों वो कुल 5 चरणों में होता है। तो इस 5 चरणों को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला चरण होता है मित्रों वो होता है इंजेशन का मतलब होता है मित्रों भोजन को ग्रहण करना। तो पोषण का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है इंजेशन। जैसे हम सबसे पहले काम क्या करते हैं कि किसी भी भोजन को अपने मुंह के जरिए अमाशय तक उसको भेजने का काम करते हैं, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। तो पोषण के अंतर्गत जो दूसरा चरण होता है मित्रों वो होता है डाइजेशन का मतलब होता है मित्रों पाचन, भोजन का पाचन। तो अब दो काम हो चुके हैं हमारे बॉडी में, पहला हमने ये देखा कि इंजेशन मतलब भोजन को ग्रहण किया और दूसरा क्या हो गया हमारा, डाइजेशन मतलब भोजन का पाचन हो गया। अब तीसरा जो चरण है मित्रों वो ये है कि अब्जॉर्बेशन मतलब अवशोषण। यहां पे मित्रों एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमने भोजन को ग्रहण किया और जो भोजन डाइजेस्ट हुआ वो ऐसा नहीं है कि भोजन पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, बल्कि इसका जो कुछ वेस्टेज होते हैं और कुछ अनपजा जो भोजन होता है
वो शरीर से बाहर चला जाता है और उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, उन सबको क्या कर लिया जाता है, अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसका जो चौथा चरण है वो है मित्रों, उसको हम काफी ध्यान से समझेंगे, वो चौथा चरण है हमारा एसाइमिलेशन। इसको बोलते हैं स्वांगीकरण या भोजन को लगना, भोजन का लगना। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं मित्रों कि कई बार आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए देखा होगा कि मेरा बच्चा तो भोजन करता है लेकिन वो कभी मोटा नहीं होता है, तो वो पतला का पतला ही है, उसका कांटा ही यही है। तो उसका जो मेन प्रॉब्लम है मित्रों वो यही है कि उसका बॉडी, वो लड़का इंजेशन भी कर रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है, अब्जॉर्वेशन भी हो रहा है, लेकिन ऐसा माइलेशन मतलब स्वांगीकरण मतलब उसका बॉडी उस चीज को मतलब अवशोषण नहीं कर पाता है, उसके बॉडी में उस चीज को लग नहीं पा रहा है, तो इस कारण जो है उसके बॉडी में वो फायदा नहीं हो रहा है। और फाइनली जो पांचवा है मित्र वो है कौन सा हमारा, इंजेक्शन। इसका मतलब होता है उत्सर्जन। तो ये पांचवा जो स्टेप होता है मित्रों वो होता है उत्सर्जन, इंजेक्शन, ठीक है। अब जो कुछ भी पोषक तत्व ग्रहण करने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचा वो क्या हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं मित्रों न्यूट्रिशन के अंतर्गत। तो न्यूट्रिशन को हम जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब क्या, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करना, पोषण कहलाता है। दूसरा, मैंने ये कहा कि ये जो न्यूट्रिशन की क्रिया है वो कुल 5 चरणों में संपन्न होती है, जिसका पहला चरण है इंजेशन यानी भोजन को ग्रहण करना, सेकेंडली है इसमें डाइजेशन मतलब भोजन का पाचन करना, तीसरा है अब्जॉर्बेशन मतलब अवशोषण करना, तीसरा है एसाइमिलेशन मतलब स्वांगीकरण या भोजन को बॉडी में लगना, और चौथा है मित्रों जो अपशिष्ट पदार्थ बचा इंजेशन मतलब उत्सर्जन तंत्र के द्वारा उसे शरीर से बाहर कर दिया जाना। तो ये टोटल रहे पोषण के अंतर्गत। अब इसके बाद आपके मन में एक बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न आएगा मित्रों कि आखिर हमें क्यों चाहिए न्यूट्रिशन। प्रश्न अजीब है, तो उसका जवाब है मित्रों कि हमें न्यूट्रिशन इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमारे शरीर को जो भी टूटी फूटी है उसके मरम्मत के लिए एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, और हम जितने भी दिन प्रतिदिन काम करते हैं, एक पलक झपकने से लेकर पैर हाथ डुलाने बोलने सुनने सभी में मित्रों एनर्जी खर्च होता है, उन सभी एनर्जी को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, पोषण की जरूरत होती है। तो अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता क्यों, तो नीड की अगर बात करें हम, इसकी नीड क्यों होगी, तो जो इसके कई नीड्स हैं, पहला तो ये हो गया हमने देखा कि ऊर्जा के लिए। अब मित्रों आप ये बताएंगे मुझे कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बिना एनर्जी के चलती है। एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में उसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। सेम हमारा बॉडी भी है जो एक मशीन की तरह है, जैसे आप मोटरसाइकिल में तेल डालेंगे तो मोटरसाइकिल चलेगा, सेम वे में हम अपने बॉडी को, है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज इत्यादि चीजों को देंगे तो हमारा बॉडी जो है वर्क करता है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों हुई, तो पहला जवाब है पोषण। दूसरा है दोस्तों वृद्धि एवं विकास। अब मित्रों एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ ये है कि एक छोटा सा बच्चा जो 2.5 किलो का पैदा होता है और मरते वक्त हो जाता है वो 50 केजी
80 kg, 85 kg, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या उसका बॉडी खुद ब खुद ग्रोथ कर लिया? ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि उस व्यक्ति की बॉडी में एनर्जी मिला और उसका शरीर के जो छोटे छोटे उंगलियां थी, जितने भी छोटे छोटे अंग थे, उस पोषण, उस न्यूट्रिशन को प्राप्त करके अपना वृद्धि किया, अपना विकास किया। सेम वे में इस तरीके से समझ सकते हैं कि मित्रों, कि जब हमारा शरीर का कोई पार्ट घायल हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद वह ठीक हो जाता है, तो ठीक होने के लिए भी क्या चाहिए हमें? एनर्जी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी को वृद्धि एवं विकास के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी। और तीसरा जो सबसे मेन रीजन है वो है दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने हेतु। अभी मैंने कहा था मित्रों कि कोई भी ऐसा काम जो आपके बॉडी हिलने डुलने, यहां तक कि सोने में भी, अगर आप सो रहे हैं उस समय भी श्वसन की क्रिया जारी है, तो श्वसन में भी एनर्जी खर्च हो रहा है। इवन सो रहे हैं, कभी कभी आप लोग स्वप्न देखते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रेन उस समय काम कर रहा है। तो ब्रेन काम कर रहा है भैया, तो ब्रेन को एनर्जी चाहिए। तो ये तीन मेन रीजन है, यानी आज से आपको जब भी कोई पूछे कि हमें नीड क्यों है, हमें क्यों न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसका जवाब ये है मित्रों, पहला तो एनर्जी के लिए, दूसरा वृद्धि एवं विकास के लिए, और तीसरा दिन प्रतिदिन के कार्यों को संपन्न करने के लिए। तो ये रहा इसकी नीड की बात करते हैं। अब बात करते हैं मित्रों कि कितने प्रकार के होते हैं, है ना, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे मित्रों कि न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन को दो भाग में हम रखते हैं। न्यूट्रिशन को हम लोग दो भाग में रखेंगे। एक तो होता है, वो होता है पोषक तत्व के आधार पर, पोषक तत्व के आधार पर, और दूसरा जो होता है मित्रों वो भोजन के उपयोग करने की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। हमने ये देखा मित्रों कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा कि न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटते हैं, दो आधार पे बांटते हैं। पहला कि उस भोजन के अंतर्गत क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज है, मिनरल्स है, विटामिन है, उसके आधार पे भोजन को दो भाग में बांटेंगे। दूसरा जो है, हमने कहा कि भोजन की प्रकृति क्या होगी, उसको किस तरीके से ग्रहण करते हैं, ठोस रूप में ग्रहण करते हैं या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसको हम दूसरे तरह से देखेंगे। तो सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं वो पोषक तत्वों के आधार पे। तो इसको हम एक अलग स्लाइड में ले लेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। तो पोषक तत्व के आधार पे तीन तरह के अलग ही देख लेते हैं, ठीक है, अलग स्लाइड ले लेते हैं इसको, अच्छा होगा। तो बात करते हैं हम न्यूट्रिशन, तो ये हो जाएगा हमारा तीन तरीके के। पहला जो होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसको कभी कभी संतुलित आहार या उचित आहार भी बोल देते हैं, उचित आहार या सुपोषण भी कहते हैं, सुपोषण भी कहते हैं। तो इसको तीन नामों से जाना जाता है। दूसरा है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा जो है हमारा वो है अंडर न्यूट्रिशन, अंडर अल्प पोषण, और तीसरा जो है मित्रों वो है माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन।
मतलब कुपोषण, कुपोषण। तो यहां पे मित्रों हम देख रहे हैं पोषक तत्वों के आधार पे कि न्यूट्रिशन कितने तरह के हो गए, तो तीन तरह का। प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसी को कभी कभी बैलेंस डाइट भी बोल देते हैं, तो इसे संतुलित आहार या उचित आहार या सुपोषण बोल देंगे। और दूसरा है अंडर न्यूट्रिशन अर्थात अल्प पोषण। क्या होता है दूसरा मित्रों? अल्प पोषण। और तीसरा जो है हमारा मित्रों वो है माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात कहने का मतलब कि सुपोषण हम उसे बोलेंगे या प्रॉपर न्यूट्रिशन हम उसे कहते हैं जितनी जिसमें वैसा भोजन जिसमें बॉडी को जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी का सभी उचित मात्रा में उपलब्ध हो, ना तो कम होना चाहिए और ना तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भी कुपोषण कहलाएगा और कम भी कुपोषण कहलाएगा। तो वैसा भोजन जिसमें शरीर के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो उसे हम क्या बोलेंगे? सुपोषण। दूसरा है हमारा मित्रों अल्प पोषण। अल्प पोषण से समझ रहे हैं, अल्प मतलब थोड़ा, अपोषण का मतलब पोषक तत्व। तो अल्प माने थोड़ा, मतलब वैसा भोजन जिसमें बॉडी को जितना चाहिए हमें पोषण उतना मिल नहीं रहा, उसमें उतना न्यूट्रिएंट है नहीं, इसमें कुछ पोषक तत्वों की क्या हो जाए? कमी हो जाए। मतलब वैसा भोजन जिसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो वो क्या कहलाएगा हमारा? अल्प पोषण या अंडर न्यूट्रिशन कहलाएगा। और तीसरा है दोस्तों जिसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है मित्रों कि वैसा भोजन जिसमें बॉडी के लिए कोई भी न्यूट्रिएंट्स उपस्थित नहीं होता है, अर्थात जब व्यक्ति के भोजन से सारे पोषक तत्व एक साथ गायब हो तो उसे बोलते हैं हम माल न्यूट्रिशन। अब मित्रों यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये बनता है कि आखिर बैलेंस डाइट कितना ले, है ना? तो कितना ले, इस सवाल का जवाब मित्रों ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है। अगर आप बच्चे हैं तो आपको ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, अगर आप यंग हैं तो उससे थोड़ा कम, और बुढ़ापे की एज में हैं तो वहां पे और कम लेने की जरूरत होगी। तो वो डिपेंड करता है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे मित्रों हम एक टेबल देखेंगे कि किस व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है बैलेंस डाइट। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पे बैलेंस डाइट या इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये नेचर ऑफ वर्क एक चीज है मित्रों, दूसरा आप अगर मेल हैं, और तीसरा कि आप अगर फीमेल हैं। तो यहां पे अच्छे से समझते चलेंगे मित्रों, कहने का मतलब ये कि आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम करते हैं, तो अलग अलग कामों की प्रकृति के हिसाब से आपका बैलेंस डाइट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसके अलावा आपके सेक्स पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी है। तो वो तीनों को हम देखने का कोशिश करेंगे। तो पहला जो वर्क है मित्रों वो है लाइट वर्क से आप समझ गए होंगे कि अगर हल्के हल्के काम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा? लाइट वर्क, है ना? तो लाइट वर्क का मतलब क्या हो गया कि अगर आप हल्का काम कर रहे हैं, और अगर मेल हैं तो 2000 कैलोरी कितना लेना पड़ेगा आपको? 2000 कैलोरी। अगर आप फीमेल हैं मित्रों तो यहां पे जो आपको लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा? 2100 किलो कैलोरी। तो यहां पे लाइट वर्क कर रहे हैं जेंट्स हैं तो आपको कितना चाहिए? 2000 कैलोरी। अगर फीमेल हैं तो 2100 किलो कैलोरी चाहिए आपको। दूसरा जो वर्क है जो वो 8 आवर्स वर्क, अगर आप 8 घंटे तक कोई साधारण काम करते हैं और आप अगर जेंट्स हैं
तो आपके लिए जो मित्रों बैलेंस डाइट होगा वो होगा 3000 कैलोरी। कितना होगा? 3000 कैलोरी, ठीक है। और अगर वोमेन है, अगर महिला है आप, तो आपको चाहिए 2500 कैलोरी। कितना चाहिए? 2500 कैलोरी। अब यहाँ पे तीसरे तरह का जो वर्क होता है वो होता है हैवी वर्क। क्या होता है? हैवी वर्क। हैवी वर्क का मतलब हो गया भारी काम। अगर आप बोझा उठाने वाला काम करते हैं या फिर इसी तरीके का और भी कई काम है जिसमें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो उसके लिए बॉडी को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे सिचुएशन में मित्रों आपको, अगर मेल है तो आपको 3500 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 33000 kcal की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है मित्रों कि आप किस तरीके की काम करते हैं, किस तरीके का उम्र है आपको। इन सब चीजों को देखते हुए हमने ये टेबल रखा है, तो इस टेबल को एक बार फिर से देख लेते हैं। बैलेंस डाइट, अगर आप नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से देखें, अगर आप लाइट काम करते हैं, कोई हल्का काम करते हैं, तो आपके लिए 2000 किलो कैलोरी चाहिए। अगर आप वोमेन हैं तो आपको 2100 किलो कैलोरी चाहिए। अगर 8 आवर वर्क कर रहे हैं तो आपको 3000 कैलोरी, और अगर वोमेन है तो 2500 कैलोरी। अगर आप हैवी वर्क कर रहे हैं मित्रों तो आपको चाहिए 3500 कैलोरी, अगर मेंस है तो, अब वोमेन्स है तो 3000 कैलोरी। अब यहाँ पे मित्रों जो हमने पहले तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा वो हमने कर लिया। अब सेकेंड टाइप देखेंगे कि भोजन के उपयोगिता के आधार पर, मतलब उसको किस तरीके से ग्रहण करते हैं, किस तरीके से उसका